जोन पब्लिक के लिए सीजन्स ग्रीटिंग्स बोलता हूँ मैं, और एज ए एडिशनल डीसीपी हैदराबाद सिटी 2, आज मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आज मैं बोलना चाहता हूँ कि हैदराबाद साउथ जोन की रेसिडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आज ओल्ड सिटी हैदराबाद का इम्पोर्टेंस क्या है। वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि जैसे कि हैदराबाद का अगर नाम लिया जाता है तो पहले हैदराबाद में जैसे कि चारमीनार, फलकनुमा पैलेस, चौमहल्ला, ये देखने के वास्ते दूर दूर से जैसे कि वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। तो जैसे कि जब वो लोग हैदराबाद चारमीनार के पास आते हैं तो जो ट्रैफिक और जैसे जो अपना ट्रैफिक मेंटेनेंस, जो अपना जो देख हम जो कर रहे हैं हैदराबाद में, जो पब्लिक जो नेगलेक्ट कर रहे ट्रैफिक रूल्स को, तो उसके बावजूद उसके जो इमेज जो ले जा रहे हैं वो लोग जो ट्रैफिक का, उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जैसे कि मैं सबसे अपील करता हूं कि जैसे कि आप सब इस ड्राइव में, यानी हैदराबाद ओल्ड सिटी को एक्सीडेंट फ्री बनाने में और हैदराबाद ओल्ड सिटी को रौनकदार, यानी ट्रैफिक रोड्स को जैसे कि एकदम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए जो ट्रैफिक रोड यूज़र्स है वो लोग किसी बगैर हर्डल के, जैसे कि अपने जो वाइटल इंस्टॉलेशंस चारमीनार है, चौमहल्ला है और फलकनुमा पैलेस है, जो भी ओल्ड सिटी के इम्पॉर्टेंट एरियाज है, वहाँ पर ट्रैफिक फ्लो जैसे कि ईजी करने में आप लोग सबका ताउन चाहता हूँ मैं, ट्रैफिक हैदराबाद साउथ पुलिस से। और इसमें मेनली जैसे कि हम हमारे तरफ से जैसे कि बहुत सारे ट्रैफिक हर्डल एरियाज आइडेंटिफाई करें, जहाँ पर ट्रैफिक के लिए जो GHMC एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेट काम करना है वो काम भी हम हमारे तरफ से ज़रूर करेंगे। लेकिन पब्लिक का से जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि जब भी आप लोग नल के लिए रोड खोद रहे हैं, यानी किसी और पर्पज़ से अगर रोड खोद रहे हैं, तो इमीडिएटली वो रोड को जैसे कि फिर म्यूनसिपाल्टी और कंसर्न R&B डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से जैसे कि रोड्स को फिर मेड गुड करें और अननेसेसरी जैसे कि रोड को डैमेज ना करें। और जहाँ पर भी रोड डैमेज कर रहे हैं तो जो एटलीस्ट आप नहीं कर सक रहे तो कम से कम इन्फॉर्म करें, जब तक वहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जब तक कोई वहाँ पर इंसिडेंट नहीं होता वो जैसे कि कंसर्न डिपार्टमेंट वालों के नॉलेज में आ रहा नहीं इशूज़, तो उसको जैसे कि आप लोग कानून को फॉलो करें और कानून का साथ दे के जैसे कि हैदराबाद सिटी में, ओल्ड सिटी में जैसे कि ट्रैफिक मेंटेन करने में। और ज़्यादा जैसे कि देखा जाता कि हैदराबाद में माइनर ड्राइविंग, जो बच्चे जो भी ज़्यादातर जैसे कि जो बच्चे रोड पर चलाते दिखते, ना तो लाइसेंस रहता ना तो लाइसेंस का एज वाला रहता। पहले तो जैसे कि लाइसेंस का एज अंडर एज वाला चलाने का प्रॉब्लम है, और जो एक्चुअल जो डिजर्विंग एज वाला है उसका भी लाइसेंस नहीं रहता। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बगैर लाइसेंस का अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो इंश्योरेंस है और व्हीकल ओनर है, अगर किसी अंडर विदाउट लाइसेंस ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको एक्सीडेंट भी अगर हुआ तो ड्राइवर व्हीकल का ड्राइवर को जैसे कि केस में इंक्लूड कर सकते, और या तो जैसे कि जो एक्सीडेंट जब हो रहा तो विक्टिम का जैसे कि पैसे इंश्योरेंस से नहीं मिलते उसको, तो ये सब प्रॉब्लम्स को नज़र में रखते हैं। जो भी जो एक्चुअल डिजर्विंग एज वाले हैं जो लाइसेंस लेने में, जल्दी हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके एक लाइसेंस मेला लगाएंगे, जिसमें जैसे कि जो एज जो लाइसेंस के लिए डिजर्विंग एज वाले हैं वो अप्लाई करके लाइसेंस अपना एक लाइसेंस बनाए प्रॉपरली। और ऑटोज पर्टिकुलरली चंद्रायन गुट्टा टू इधर संतोष नगर एंड चंद्रायन गुट्टा टू LB नगर एंड चंद्रायन गुट्टा टू इधर कोसा है मैलारदेवपल्ली, जो भी एरियाज़ में जैसे कि जो ऑटोज चल रहे हैं वो ऑटोज में भी जैसे कि ज़्यादा लोग जैसे कि विदाउट लाइसेंस वो लोग ड्राइव कर रहे हैं और ओवर क्राउडेड ऑटोज में पैसेंजर्स को अलाउ कर रहे हैं, और वो वहाँ पर भी अगर उस हालात में भी अगर एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर क्या है, ड्राइवर तो कमा लेता पैसे, लेकिन विक्टिम को जब एक्सीडेंट अपील के लिए अगर गए पैसों के वास्ते गए तो उसको पैसे नहीं मिलते। तो इसलिए जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि ऑटो में जब ट्रैवल करते वक्त भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि जैसे कि प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाले के ऑटो के साथ जाए हम लोग। और अब रही बात जैसे कि ट्रिपल राइडिंग में जैसे कि पब्लिक को मैं देखता हूँ कि यहाँ की पब्लिक को ट्रिपल राइडिंग भी एक जुर्म है या नहीं है, सो मालूम है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ट्रिपल राइडिंग करना, ओवर राइड करना, ओवर स्पीडिंग करना और गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देना और ऑटोज पर जैसे कि ओवर लाइटिंग करना, ओवर म्यूज़िक
ओवर हॉर्न्स लगाना और लाइटिंग, जैसे कि जहाँ पर लाइटिंग के स्पेस पे लाइट नहीं है, जैसे दूसरे जगह चमक चमक लाइट लगाना, ये सब ऑटोज़ को सीज किया जाएगा। और ये पूरे लाइटिंग के, जैसे कि जिसको ये लोग को जो शेप चेंज करने का एक मेजर सेक्शन है आरटीए में, वो सेक्शन के अंडर उनको प्रोसिक्यूट करेंगे और उनका व्हीकल भी सीज करेंगे। पब्लिक, जैसे कि पब्लिक से हम गुजारिश करते हैं कि बाद में फिर आकर रिक्वेस्ट वगैरह करें कि अपने आप को सुधारें पहले, और जैसे कि अपने ऑटोज़ को, अपने व्हीकल्स को प्रॉपरली, यानी मोटरसाइकिल भी जो बॉडी का उसका एक परमिशन है, मोटरसाइकिल का बॉडी वो जैसे कि अप्रूव होता गवर्नमेंट से, उसका बॉडी चेंज कर दे रहे हैं, उसके बायनट्स निकाल दे रहे हैं, उसका सीट ऊपर कर दे रहे हैं, उसका हैंडल किधर की लगा दे रहे हैं, मॉडिफिकेशंस जो भी मॉडिफिकेशंस इलेक्शन के टाइम पे भी जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो लोग, वो व्हीकल का परमिशन लेने के लिए मॉडिफिकेशन अप्रूव का परमिशन आरटीओ से लेकर आते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर कितने मॉडिफाइड व्हीकल्स लेके घूम रहे हैं, और उससे जितना रिस्क है उससे एक्सीडेंट हो सकता, मॉडिफाई करने से जैसे कि व्हीकल का वो ड्यूरेबिलिटी कम होकर जैसे कि टायर निकल जा सकते हैं, हैंडल हट जा सकता। तो ये सब पेरेंट्स जैसे कि इसको इंकरेज, पेरेंट्स का जैसे कि ज़्यादा इंटरेस्ट का ज़रूरत है यहाँ पर। पेरेंट्स बच्चों को ऐसा करते हुए देख के क्यों खामोश बैठ रहे हैं ये समझ में आ रहा नहीं थोड़ा। तो पेरेंट्स को जैसे सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हैदराबाद ट्रैफिक को सुधारने में पब्लिक का ताउन दे, और जैसे कि जो भी प्रॉब्लम स्पॉट्स है हमको इन्फॉर्म करे, और ये जहाँ पर भी जैसे कि बस स्टैंड्स है और जहाँ पर कॉलेजेस के जगह प्रॉब्लम्स है, वो कंसर्न पुलिस को और हमारे को फ़ोन करे, फ़ोन करके हमको बताए, और जैसे कि हैदराबाद ओल्ड सिटी को जैसे कि एक्सीडेंट फ्री बनाने में सबका ताउन दे। थैंक यू।